अरे कैंडल ले ना उधर कैंडल छोटे लगते हैं ये प्लास्टिक है ना सब गिर जाएंगे जिसने लगा लिया वो प्लीज पीछे आ जाएं तो बाकी लोग भी लगा सकते हैं बहुत दुख भरा हादसा हुआ है और हम सब जो है यहाँ पर अफसोस में है लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि शहीद हुए उनके घर वाले को अलग अलग सब दें और जिन्होंने ये हरकत की है उनके बेशुमार लाना और इन लोगों का जल्द से जल्द इलाज हो और बस यही दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह हम यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं कि मिल के सब के सब हुआ देश में जिस तरह का माहौल है उसके क्या माहौल तो सब अभी एकता का ही है सब यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और ना सिर्फ एक फिरका सारा कौम सारे फिरके सारे हिंदुस्तानी एक साथ मिल के फुल पब्लिक सपोर्ट यही है कि जिन लोगों ने वाक़ किया है जो शर्मनाक वाक़ किया है उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले ऑडियंस आप सरकार से क्या कहें कि किस तरह का उनको एक्शन लेना चाहिए इतने बड़े हादसे देखिए एज ए ऑडियंस हमारे यही है कि हम सरकार से यही अपील करेंगे कि जिन लोगों ने ये वाक़िया अंजाम दिया है उनको सज़ा मिले और घर में घुस के उन लोगों को भी इसी तरह तबाह किया जाए जिन लोगों ने हरकत की है क्योंकि ये लोग जो है इनका कोई दीन नहीं है इनका कोई मज़हब नहीं है इन लोगों के अंदर दिल नहीं है जिस हिसाब की बुजदिल बने की जो इन्होंने हरकत की है और देश से इंडियन आर्मी से सेना से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उन पर जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाए और पुलिस सर आप क्या कहेंगे बीच में बहुत ज़्यादा मेरे साथ साथ हमारे पूरे हिंदुस्तान की जनता को ऐसे कठिन समय से गुजरना पड़ रहा है जहाँ पर सुबह शाम हम लोग रो रो कर ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ हम नौजवानों के साथ में फौजी भाइयों के साथ में गद्दारी के साथ उन पर अटैक किया गया सीने पे वार नहीं थे पीठ के पीछे वार किया गया गद्दारी की गई और क्या एज थी उनकी कोई किसी की 18 साल किसी की 20 साल किसी की 22 साल किसी की शादी नहीं हुई कोई शादी करने जा रहा था किसी की दो दिन की बच्ची किसी की 12 दिन का बच्चा ऐसे नौजवानों को गद्दारी के तहत उनको मार दिया गया उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हमारे भाई थे उसमें सब कम्युनिटी के हमारे जवान थे आर्मी के जवान थे जिनने किसने सोचा भी नहीं था कि उनके साथ में इस तरह से गद्दारी अगर लड़ना ही था तो सामने आके लड़ते अगर उसमें अगर हमारे फौजी शहीद होते तो हमको प्राउड होता और हम प्राउड फील करते आज हमें इतना पश्चाताप हो रहा है कि पीठ के पीछे वार किया है ऐसे गद्दारों को मुझे लगता है कि हम सब मिलकर आज ये हुआ कि पूरे देश भर में हम सब इकट्ठा हो रहे हैं सबकी एक ही मंशा है सबकी एक ही सबका एक ही विचार है कि बस कुछ भी करके जल्द से जल्द उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए आतंकवादियों को भी और साथ साथ उन गद्दारों को भी जो हमारे देश में रहकर उनके साथ हाथ मिलाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि बिना हमारे हिंदुस्तानियों के गद्दारों के सपोर्ट के ये काम हो नहीं सकता कोई शक नहीं इसमें वो भी गद्दार शामिल है जो हिंदुस्तान के नाम पर कलंक हिंदुस्तानी नाम पर कलंक है उनको सलाम मिले तभी हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धा मिली उन जवानों के लिए तब तक हम बस इस तरह से फुट के रोते रहेंगे क्योंकि हर एक को देख के लग रहा है कि जैसे ये फौजी सिर्फ फौजी नहीं थे वो हमारे घर के मेम्बर थे हमारे अपना कोई रूप से छीन लिया गया बल्कि तो ये बहुत चीट फील कर रहा है ऐसा लग रहा है जब हमारे में आत्मघात किया गया है आत्मविश्वास को छोड़कर पहुँचाएगी इस
सिर्फ धोखा दिया। सर तेल दोनों 40 से ज़्यादा 42 तो कहीं ना कहीं सरकार इस मसले में फेल रही है। आप इसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया देंगे तो सरकार को मैसेज? मैं तो यही कहता हूँ कि जो सुरक्षा जाँच है उसको लोग इतना लाइटली क्यों लेते? पिछली बार में जब कसाब का हमला हुआ था वो भी सुरक्षा जाँच की लापरवाही की वजह से हुआ था। इतनी बड़ी वोट वहाँ पर आई कैसे? हम तो नॉर्मल आदमी जब जाता है बाइक से जाता है देश सवाल कर रहा है कि इतना सारा। अरे रॉन्ग साइड से आदमी बाइक वाला जाता है तो उसके तुम लाइसेंस मांगते हो, उसके ये देखे पीते पी के नहीं आए, उसके छोटे से अपराधी जब इतनी इंक्वायरी करते हो तो बॉर्डर से बाहर से कोई बंदा आता है कैसे आता है? अगर 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 ये लापरवाही नहीं है तो गद्दारी है, जाहिर सी बात है गद्दारी है। और ये गद्दारी के तहत ही हुआ है तो हम तो उन दुश्मनों को आतंकवादियों से ढूंढ के मारेंगे मारेंगे। सबसे पहले इनको फांसी में लटकाओ जिन्होंने ये गद्दारी की है। और ऐसी ऐसी बुरी मौत हो इनको कि इनकी नस्लें और आने वाले पूरे दुनिया को ये सबक मिले कि गद्दारी जो है वो कितनी आसानी से बच सकती है। अली भाई आप भी यही मानते हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है? नहीं, जाहिर सी बात है मैं भाई की बात से तल्लुक रखता हूँ कि ये जो है किसी ने गद्दारी की है, वरना इतना सारा आरडीएक्स इतनी सब कुछ लेके और वो भी आके सीधा यू नो आके घुसा दिया और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, मैंने वीडियो भी देखा, तो ये बिना किसी गद्दार की तो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि हमें और ज़्यादा सचेत रहना होगा और ज़्यादा हम लोगों को होशियार रहना होगा, ना सिर्फ हमें हमारी आर्मी को जो हमारा ध्यान रखती है आर्मी उनके ऊपर भी एक सिक्योरिटी रहनी चाहिए कि भैया कहाँ जा रहे हैं, उनका जो पूरा काफिला जाता है उसको उसे सबसे पहले हम लोग हमें वो जो जो बने जो वो उनका पूरा ध्यान रखें कि हाँ भैया काफिला पूरा सिक्योर्ड है, सब चीज़ सिक्योर्ड है, आगे कोई ये ना हो। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हरकत की है उनको सजा मिलनी चाहिए और जिन्होंने सपोर्ट किया है पहले उन्हें हैंग किया जाए और पब्लिकली शूट किया जाए। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी वाकई जैसे कि सुनील भाई ने कहा बहुत अच्छा कहा और गद्दारों को सज़ा मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए और जो हुआ बहुत बुरा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि हम ही में से कोई ऐसा है जो गद्दार है तो सबसे पहले तो उनकी जांच हो कि कौन है, किसने उनके बीच साठगांठ की है, उनको पहला ख़त्म किया जाए, बाद में जिसने किया है उनका बदला लिया जाए। और बदला बहुत जल्द से जल्द लेना चाहिए और इलेक्शन नहीं होना चाहिए जब तक कि बदला नहीं होगा, तब तक इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। बहिष्कार करना चाहिए हमको इलेक्शन का। लोगों को लगेगा कि इलेक्शन के लिए बहिष्कार करना चाहिए। कैंडल जलाइए और श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए जितने भी हमारे दोस्त हैं और साइन कीजिए प्लीज़ यहाँ पर और बताइए कि हम जो हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, हम बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे और हम जो है मिल के सब दुआ करेंगे उन सैनिकों के लिए जिन्होंने हमारे लिए जान दिए, जो हमारे लिए सुरक्षा करते हैं, जो हमारे लिए दिन रात गर्मी और -50 में हमारी सुरक्षा करते हैं। तो एक बार सब के लिए मिल के एक साथ पूरी जान लगा के जय हिंद जय हिंद भारत माता की भारत माता की भारत माता की। हमारे बीच में वो बाहर जा रहा था अपनी 3 महीने की बच्ची को दूध लाने के लिए उसके लिए, लेकिन जो पत्थरबाज थे उनके वहाँ पे जो बच्चे की बात आती है दूध लेने के लिए जा रहा था लेकिन वो गोली से शिकार हो गया। हम चाहते हैं जब हमारा हिंदुस्तान जब कोई भी इनोसेंट मरता है हम इसी तरह आवाज़ उठाए उसके लिए, क्योंकि जो बेचारा अच्छा आदमी होता है उसके साथ जो बुरा होता है जब हम उसके साथ कंधा मिला के चलेंगे तो उसको ये लगेगा ये मेरा भारत है। जब एक इनोसेंट मरता है हम कुछ नहीं बोलते और पाकिस्तान का एक आदमी बोलता है यार बुरा हो रहा है, उनको लगता है वो हमारे सगे, जबकि हमारा सगा हिंदुस्तान है, वो था वो है वो रहेगा। लेकिन हम नौजवानों को यह सोचना है कि वहां के लोगों को गले लगाना, उनको एहसास दिलाना आप हमारे अपने हैं। जिस नाली में अब सामने ठोकरों से उसे हम कुचल जाएंगे। एवरीबॉडी ऐ वतन हमको तेरी कसम, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे, इश्क आजाद से आशिकों। एवरीबॉडी ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राह में जा तक लुटा जाएंगे, ऐ वतन भारत माता की भारत माता की भारत माता की।
हमारे गिरीश जी भी गाना। जीवन की डोर बड़ी कमजोर। जय हिंद। थोड़ा पीछे आ जाइए, उसके बाद इस गाने के बाद में हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे ये जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हे वतन साथी। एवरीबॉडी कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन राह कुरले बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जान। छू न पाए वो सीता का दामन कोई, राम भी तुम थियो कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे भूषण भूषण आगे से एक ट्रैफिक रोक के हम लोग एक 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 साइड पकड़ के अपने वो करेंगे। चलिए शक्ति बात नहीं है व्यक्ति मनी तिवारी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सारे लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद की जय। देश के लिए एक कहा जाए कि शर्मनाक और दर्दनाक हमला हुआ है, लेकिन जो एकता दिख रही है लोगों में उस एकता की यही ताकत है कि सब एकजुट हैं, और एकजुट का एक हमें अच्छा कहा जाए कि एक रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्ट यही हो सकता है कि हमारी सरकार और हम सब मिलके कुछ उसका एक अच्छा निष्कर्ष निकालें और उसको अगले वक्त और अगले समय में ये हादसा ऐसा ना हो हमारे सैनिकों के साथ, हमारे भाइयों के साथ। तो बिल्कुल इससे ज़्यादा कुछ कहने का मन ही नहीं हो रहा है और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है। 2004 के बाद सबसे बड़ी घटना बता रहे हैं इसको, तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें इन्वॉल्यूशन रहा है, तो बताएंगे सरकार को क्या मैसेज देंगे? सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम लोग तो बड़ी आज़ादी से अपनी कला जगत में अपने फील्ड में जो जिस फील्ड में है ईमानदारी से काम कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि सरकार भी उसी ईमानदारी के साथ हम सबको एक कुछ अच्छा व्यायाम और एक अच्छा कुछ ऐसा रिजल्ट दे जिससे हम सबको एक गम का एक दोबारा ऐसा ना हो। और इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हो, 2004 की बात है, हम लोग तभी उतना ज्ञान शक्ति नहीं थे, लेकिन अभी उसके बाद ये जो घटना अभी तक सुनते आ रहे थे उसके बाद ये तो हमारी आंखों और चैनल और सब कुछ देख रहे हैं, बहुत ही दर्दनाक घटना। तो मैं सरकार से यही कहूँगा और लोगों से यही कहूँगा कि हम सब एकजुट ऐसे ही रहें, और सरकार भी इससे पूरी बदला चुका है जो शहादत पे वोटिंग रोटियां सेकी जा रही है।
नहीं, नो कमेंट्स। वोट वोट का ये सब बात ही नहीं करना चाहिए। जो ऐसा कर रहा है वो मूर्खपना कर रहा है, और बिल्कुल वो या तो कहीं ना कहीं अपने आप को उनको कहने नहीं आता हो या कुछ परोसने नहीं आता हो, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और वोट और इलेक्शन का तो यहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं आना चाहिए। इस में प्रतिक्रिया देने वाला कुछ कोई नहीं होता हूँ, ये पूरा देश की प्रतिक्रिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ सब लोग जमा हुए हैं, किसी एक आदमी के विचारधारा से ये देश नहीं चलता है, और कोई भी एक अपनी विचारधारा लेकर देश चला भी नहीं सकता है। तो हम सब इस चीज़ के लिए दुखी हैं कि जो पुलवामा में हमारा अटैक हुआ है, बहुत ही दुखद घटना है। और कुछ टाइम तक के, दो दिन तक तो शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि हम क्या लिखें और क्या कहें। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि दुख और आभार, जब एक दिल में कसक बैठ जाती है तो वो कसक सी बैठी हुई है, और इसमें क्या प्रतिक्रिया दी जाए। क्योंकि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, आई थिंक देश के हर एक कोने से हर जवान है, कोई कानपुर से है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, तो कोई उड़ीसा से है, हर जगह का बच्चा है, हर देश का एक एक कोने का बच्चा है। तो ये देश में जो आहुति, जो शहीद शहादत मांगी है, वो हर जगह से शहादत मांगी है, और इसमें सब लोगों का खून है। इसमें कोई एक प्रांत जात पात किसी का नहीं है, सबका खून है। तो वो खून का बदला हमें चाहिए। हम इसके लिए आज जमा हुए। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आपको प्रोटेस्ट करना है, बॉर्डर पर जाइए। हम ज़रूर बॉर्डर पर भी जाएंगे, और हम अगर हमें परमिशन दी जाए तो हम उसके देश में जहां से ये आतंकवादी आते हैं वहां पर घुस के भी मारेंगे। कुछ बच्चे यतीम, देखिए बहुत बहुत ही दिल दहलाने वाली ये क्वेश्चन होते हैं कि उनके लिए जिस तरह का सपोर्ट। देखिए हम जिस तरह से बॉलीवुड में अक्षय कुमार ने बहुत ही अच्छा अपना एक मैसेज दिया है, उन्होंने एक अकाउंट डाला हुआ है, और उन्होंने चीज़ें और बहुत अच्छा एक फंडिंग की हुई है उनके लिए, और बहुत ही नेक काम है। वो हमेशा इन चीज़ों में आते हैं। बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हैं, और हमारे बॉलीवुड में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे धर्म जात पात के ऊपर नहीं चलते हैं, एकजुट होकर सब लोग साथ में खड़े होते हैं, काम करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद देना चाहता हूँ अक्षय जी को कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, और हम लोग उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो हम सब यहाँ पर दुखी हैं ही है, क्योंकि हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हुई है। लेकिन उससे बड़ी दुख की बात यह है कि हम अपने घर में ही लड़ रहे हैं, और हम सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर घर में ही झगड़ा शुरू हो गया है। तो ऐसा होता नहीं कि जब कोई पड़ोसी अपने किसी घर में मार के जाता तो घर वाले अपने घर के लोगों को नहीं मारने लगते हैं। और अभी कल मैंने रात में न्यूज़ देखी कि कुछ कश्मीरी भाइयों को हमारे अपने हिंदुस्तान के लोग बिहार में मारा, उनकी जो शॉप होती हैं उनको हटा रहे हैं। तो मकसद एकजुट होने का ये भी है यहाँ पर कि हमारी शहादत जो हमारे भाइयों ने कश्मीर पे दी, वो शहादत बेकार ना जाए, क्योंकि शहादत देश के लिए है, देश के प्रेम के लिए है, एकजुटता के लिए दी गई है। तो अगर आप सच में दुखी हैं तो उस दुखी का ये मत उठाइए कि आप आपके अपने ही घर के लोगों को मार रहे हैं। और कई जगह पर ऐसे कांड हुए, जम्मू में भी कुछ अलगाववादी लोगों ने एक विपक्ष के लोगों पर घरों में उनके पत्थर मारा, उनकी गाड़ी जला दी गई, कारें जला दी गई। तो ये बाहर की लड़ाई घर में ना शुरू हो, और इसलिए कि हम सारे बॉलीवुड के तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकजुटता को दिखा रहे हैं। जैसा कल बिहार में देखा कि वहाँ पर लोगों ने किया, प्रतिक्रिया यही है। उन लोगों से हमारा निवेदन है कि घर की लड़ाई ना शुरू करें, अपने देश में अमन शांति बनाए रखें। जो जवान शहीद हो गए इस देश के लिए, उनकी शहादत को ख़राब ना होने दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर हु कम फॉर दिस प्रोग्राम। और मैं अपने तहे दिल से ये धन्यवाद करना चाहता हूँ जितने भी लोग आज ये जो एक हादसा हुआ, ये हादसा हर वो इंसान के दिल में छू गया। हर वो इंसान जो इंसान के दिल में वाकई में सीने में दिल हो, वो इंसान सही में अगर महसूस करेगा ये कितने बड़े हादसा था, और ये हादसा को भुला नहीं जा सकता है। और इतनी बड़ा हादसा जो हमारी बॉर्डर फोर्सेस है और हमारी जो हम जिसकी वजह से चैन सुकून से सो सकते हैं अपने घरों में, उन जैसे लोगों के ऊपर अगर इस तरह के हादसा होता है तो उसके लिए तो मैं बोलता हूँ हम सब अपने धर्म को भूल जावे, अपने जात को, अपने पात को भूल जावे, और जितने भी लोग हैं हम एक ही झंडे के नीचे आ जावे। और एक ही झंडे के तले आने के बाद
और इस चीज़ को हम कंडेम करें और इसको पूरी तरह हम कंडेम करें। और ये कोई ये नहीं जो भाई करने वाला करके चले गए, करने वाला कर दिया, लेकिन असल क्या जो असली मुजरिम है वो पकड़ा जाना चाहिए। हादसा तो होता है, हम तो देखते हैं कुछ ना कुछ हो ही रहे, लेकिन उसकी जो आखिर तक जो उसका क्या डिसीजन वो हमेशा ही पेंडिंग रहता है। तो कहने का मतलब ये जो हादसा हो रहा है उसका हमारी रिजल्ट क्या है, और इस तरह के हादसा ताकि ना हो, मैं अपनी सरकारों को एक तो सहयोग की बात करेंगे भाई, हम जो भी हम जिस पार्टी के हैं जिस फील्ड से हैं तमाम फील्ड के लोग एक साथ होने के लिए बोलता हूँ, और इसी साथ ये भी बोलता हूँ और सबको मिलके इस चीज़ का प्रोटेस्ट करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। धन्यवाद। घुस के आपके हाय, दिस इज अलीशा खान। यू नो आई वाज थिंकिंग अबाउट लास्ट नाइट कि कोई कैसे आपके घर में आपके मुल्क में घुस के आपके ही नौजवानों को शहीद कर देता है, जब तक आपके घर में आपकी विदाउट परमिशन कोई नहीं घुस सकता है, ठीक है ना। अगर आज हम किसी घर में रह रहे हैं तो हमारी विदाउट परमिशन वहाँ कोई नहीं आ सकता है, इतनी सिक्योरिटी इतना सब कुछ होने के बाद। यू नो जब मैंने वो न्यूज़ देखी मैं आई वॉज क्राइंग वेरी बैडली कि इतने सारे हमारे नौजवान भाई शहीद हुए हैं, इतने सारे लोगों की शहादत वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इतने सारे लोग शहीद हुए, इतने सारे लोगों की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। मैं आजकल टिकटॉक पे एक वीडियो देख रही हूँ जो बहुत वायरल हो रही है टिकटॉक पे, बहुत पाकिस्तानी लोग मतलब ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तानियों को गालियाँ दे रहे हैं, बैड लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं। जो चल रहा है अभी वो है कैंडल का जलाना है, इसके बाद जो है हमको मारने की कभी परमिशन नहीं देता। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि आपको आतंकवाद करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप दूसरों को मार के आप सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, मैंने उन माओं को रोते हुए देखा है, उन बच्चों को, उनकी वाइफ को, उनकी बहनों को रोते हुए देखा है, मैं उनके दर्द को समझ सकती हूँ और मैं वो फील कर सकती हूँ। थैंक यू। मैं एक्ट्रेस और मैं आर्मी जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनके लिए मैं उनकी आत्मा के लिए मैं प्रे करूँगी, उनको शांति मिले। मेरे जीजू भी आर्मी में ही है और अभी कश्मीर बॉर्डर में है वो, जब ये कांड हुआ उसके एक दिन पहले लाइन बंद कर दी गई थी और काफ़ी प्रॉब्लम है, 3 दिन मेरी फैमिली में कांटेक्ट नहीं कर पाए हम जीजू से और काफ़ी डरे हुए थे। उस टाइम में उनका बर्थडे भी था और हमने जब टीवी में ऐड देखी तो मेरी फैमिली टोटली बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। तो नेवी मैं वो चीज़ें फील कर सकती हूँ, मैं वो दर्द समझ सकती हूँ कि जिनका बेटा गया है, जिनके पापा गए हैं, जिनकी फैमिली के इतने करीबी लोग, जो माहौल चल रहा है इंडिया में बहुत गलत हुआ है। नेवी इसको गवर्नमेंट को कड़क से कड़क सज़ा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान को देनी चाहिए कि जो ये अभी जो चीज़ें हुई हैं वो नेक्स्ट टाइम ना कर पाए, इसमें एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच जी। पहले तो मुझे बहुत ही अफसोस है और मैं बहुत अफसोस ज़ाहिर करना चाहूँगी ऑफकोर्स, क्योंकि इतने सारे जवान जो शहीद हुए हैं वो होने नहीं चाहिए थे ऑफकोर्स, क्योंकि जो फीलिंग्स उनकी फैमिली या मतलब उनके बच्चे फील कर सकते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते। और मैं बहुत ज़्यादा जी देखिए, मैं पहली बात तो यही चाहूँगी कि पहली बात तो आई एम नॉट हैप्पी विद अपनी गवर्नमेंट से, बिल्कुल भी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर वो इतने ही अच्छे होते तो जो फौजी लोगों को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो वैसे भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ मैं वैसे भी, और ऑफकोर्स उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती उनको। तो कोई मैसेज देंगे देश को, जिस तरह का देश को मैसेज यही देना चाहूँगी कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और हमें इसका बदला ज़रूर लेना चाहिए, मतलब पाकिस्तान से डेफिनेटली लेना चाहिए, जितने हमारे जवान मरे हैं उनसे डबल उनके मरने चाहिए। दिक्कत है, लोमड़ी की तरह पीछे से वार किया है, शेर जो होता है सामने से अटैक करता है, उतनी हिम्मत है नहीं सामने वाले में। तो मैं सबसे पहले तो मेरा नमन है उन सब शहीदों को जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, यहाँ आज़ादी की सांस ले रहे हैं, और मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं शहीदों के परिवारों को, मुझसे जो बन पड़ेगा भविष्य में मैं उनकी मदद करूंगा। और आतंकवादियों के लिए कि
किसी पर्टिकुलर मुल्क, पाकिस्तान तो है ही है, मैं कहता हूँ उसके अलावा भी कहीं अगर ऐसी कोई प्रक्रियाएं पनप रही हैं या इस तरह के एलिमेंट्स पनप रहे हैं तो उनका पेस्ट कंट्रोल करना चाहिए। मतलब कुत्ते की भी नहीं, मच्छर की और कीड़ों की मौत मारना चाहिए उनको, पैरों के तले रौंद के, जिन्होंने हमारा इतना बड़ा डैमेज किया, हमारे फौजियों को, हमारे आत्मसम्मान पे, हमारे देश पे, हमारे तिरंगे पे खून के छींटे फेंके हैं। उन हमारे आंसू उनके खून से धुलने चाहिए, बस उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। जो हादसा हुआ है पुलवामा में, जो आतंकवादी की गतिविधि और जो हादसा हुआ है, वो बड़ी दुखद घटना है। जो फौजी हमारे देश के लिए लड़ते, जिनके वजह से हम चैन की नींद सोते, उनके परिवार को मेरे तरफ